ده صونا نادر زوحي نه دي عدد تلاي بو دا بو خد ده خنزيري ده صوني تشي ده دي تلفزيون دي Şiiri diye ağa dağı ya, şöyle tabi tila uyuzun. Şöyle bir kitle çatı ile ya, ama. Lड़की ya, bir lड़का bir ya. Eşk bu hakkı ya, bir pırpastı yok, da bu bani, çöküyü bani pırata yaz. Kimsin lड़की ya? Ağa gold. Tamam, dağı şiiri de, zaten tila bir şiiri. Gold gold यारा नहीं पूर देने की वॉल पेपर एसी शुरू कर जाना है खुदा बाकी वो भी हैरान हो रहा है हाँ मुझे समाज से जो है बाप शेष देख 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 ستر جنرال عبدالرشید دوستم رهبر رو بنیادگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان خنزیر اخ خنزیر ای خنزیر اشین مجاهدین خوگی رو غلی وای Hazalim. अरे शैंडल ऊपर ऊपर जो दिखाया था ना उसमें चेंज होती हैं कट के खा रहे हैं वहीं पर ही हम ये देख के आपको क्या लग रहा है इससे कुछ याद पीछे का दिखा रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ था अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान में इस तरह से जो तालिबान था वो घुसा था इनके जो महल टाइप में जो ये लोग रह रहे थे और उसके वहाँ पे जाके जब उन्होंने देखा इतने वो हैरान हुए देख के अंदर कि ये लोग ऐसे रहते हैं उन्होंने कभी जिंदगी में देखा था वो बंदे की शक्ल कि ये कैसे रह रहे हैं इतना आलीशान है और वो गोल्ड वाली जो कैटल सी थी वो उसको तो सुन रहा था कि उसमें क्या अल्कोहल है क्या कुछ भी नहीं है वो तो ऐसे शो केस पीस था मगर उन्हें कभी नहीं पता ना जबकि हमें भाषा नहीं पता हाँ। पता चल रहा था एक्सप्रेशन से हाँ। कि वो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये भी है ये भी है कार्पेट भी है यहाँ पे अंदर तू क्या लेके आ रहा है ये प्लेटों में क्या पड़ा है उसको लग रहा था वाह लाइटें देखो लाइटें वो तो हम भी देख के हैरान हो गए थे यार ऐसी लाइटें फिर वो रशीद खान का नाम ले रहा था जो मेरे ख्याल से उनका क्रिकेट का प्लेयर ऐसा कुछ अच्छा। उसके पास भी ऐसा नहीं होगा शायद समथिंग लाइक दैट कि ये तो उसके पास भी नहीं होगा ये देखो समथिंग लाइक दैट और उसके बाद कैसे सोफे पे बैठ के मजे से सब बैठे हुए थे इतने आलीशान सोफों पर और खा रहे थे ऐसे लग रहा था कि कभी भी लाइफ में अपनी जिंदगी में इस टाइप का उन्होंने देखा नहीं है वो इतने हक्के बक्के हैं और बैठे हुए हैं और उस टाइप से अब यही चीज जो है आपको दिखेगी पाकिस्तान में भी यही हुआ जब जिन्ना हाउस में ये लोग गए हैं पब्लिक गई थी तो वो भी हैरान हो गई देख के कि ये लोग जो हैं ऐसे रहते हैं ऐसे अमीरियत से रहते हैं वो भी ऐसे हक्के बक्के रहे थे और हमने देखा था ना कि भाई कई जगहों पे जैसे हमने वीडियो देखी थी वो तो खाने भी उठा उठा के जैसे उठा के लेके आ रहे थे वो यहाँ पे था वो बैठ के वहीं पे खा रहे थे वहाँ पे भी
या पाकिस्तान में भी लोग उठा उठा के खाने लेके आ रहे, कोरमा लेके आ रहे हैं, कोई प्याज उठा के लेके आ रहा है, और ये सब हो रहा था। वहां तो और भी प्रॉब्लम थी कि कोरमा वाला दिखा रहा था, देखो मैं कोरमा, वहां से पीछे से कोई हाथ से कोरमा ही खा रहा था। देखना वो वीडियो, इंडिया बस वही तो एक मिनट के रुका है वहां पे, तो उससे भी हद तक। यहाँ पे एटलीस्ट अफगानिस्तान में एक दूसरे से तो नहीं छीन रहे ना, आराम से बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो वीडियो में दिख रहा है कि वो वीडियो के अंदर जब बात कर रहा है, पास से कोई निकल रहा है, वो उसका खाना उठा के निकाल के टोकरी में से चिकन निकाल के, हाँ, वो उसका फिर हाथ पकड़ रहा है कि तू क्या क्या कर रहा है, तू यहाँ से क्यों निकाल रहा है। अब देखते हो, और ये खाली यही नहीं है, पाकिस्तान में वहां पे जब गए हैं ये लोग जिन्ना हाउस में, तो और क्या क्या किया है उसको भी देखते हैं। एक और कमांडर था उससे लिए, या वाम का पैसा है जो उन्होंने चोरी किया था, वो अपना पैसा वापस लेके गए हैं। ये क्या चीज़ है? ये मोर है। कितने मोर लिए आपने? हमने एक ही मोर लिया। ये भी मोर है, नकली है। I got this frozen strawberry from poor commander's refrigerator, deep freezer. We are all enjoying it here. Look at this. देखा, वो वहां पे जो हालात थे सेम हालात पाकिस्तान में, कि भाई वहां पे अच्छा, अब ये इससे पता चल रहा है महल में तो रह ही रहा था कोर कमांडर, उसके घर में मोर भी थे इतने अमीरों की तरह। एक तो दूसरा मोर था, और दो वाइट कलर के मोर। मुझे तो लगता है वाइट कलर के मोर कोई स्पेशल मोर होते होंगे, बड़े महंगे होते होंगे, हमने तो कभी वाइट कलर के मोर देखे ही और नहीं। साथ में वो लेडी जो थी वो रेफ्रिजरेटर में गई, वो खोल खाल के फ्रोजन स्ट्रॉबेरी खा रही है, वो कह रही है मैं अकेली नहीं हूँ, ये देखो लोग ये भी खा रहे हैं। सब लोगों के हाथों में थे ऐसे पकड़ के किसी प्लेट में, पढ़ी लिखी लग रही थी उनको, अंग्रेजी आती थी, अच्छी बोल रही थी, बोल रही थी, या वेल एजुकेटेड। मुझे पता नहीं पढ़े लिखे लोग यहाँ पे क्या तो हो सकता है, देखने आए अपनी अवेयरनेस के लिए कि कैसे जगहों पे लोग ये लोग रहते हैं। ऐसे कोई रिस्क ले सकता है जब ऐसी बुरी सिचुएशन हो जैसे पाकिस्तान में थी, कि तोड़ फोड़ हो रही है, पुलिस फायरिंग कर रही है, कोई भी नॉर्मल समझदार इंसान जो है बाहर नहीं निकलेगा। गई है और ये पढ़ी लिखी लेडी थी, और पढ़ी लिखी होने के बावजूद वहां गई है, और वहां से स्ट्रॉबेरी रेफ्रिजरेटर के लिए डीप फ्रीजर में रखी हुई है, और कह रही थी बड़ा मजा आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, बड़ी अच्छी लग रही है, स्वाद लग रही है, और हम सब मजे कर रहे हैं, हम सब खा रहे हैं। कितना मतलब शॉकिंग है ये कि इस टाइप की हरकतें हुई हैं। उन्होंने अपना चलिए फेस नहीं दिखाया, सिर्फ ये दिखाया कि बच्चे को पता होगा कि भैया बाद में फंस ना जाऊं, क्योंकि अब तो जो ये है क्या कहते हैं इमरान खान, वो तो निकल गया है, अब ये जो पुलिस है आर्मी है ये इन लोगों को पकड़ेगी जिन्होंने डिस्ट्रक्शन की होगी, तो जिन जिन के शक्लें आई होंगी उनको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा तो यही है, पर मैं देख के हैरान हो रही हूँ, मोर, ओए होए, मोर भी रखे हुए थे, स्ट्रॉबेरियाँ भी हैं, कि मौसम नहीं है स्ट्रॉबेरियों का, तो डीप फ्रीजर में स्पेशली स्ट्रॉबेरीज लाकर इन्होंने रखे हैं। आवाम जो है उनकी, जो पब्लिक है पाकिस्तान की, उनके पास आटा नहीं है खाने को, है वो सड़कों पे लाइनों में लग रहे हैं आटे के लिए, बहुत गरीबी, और ये अपने डीप फ्रीजर में फ्रिजों में स्ट्रॉबेरियाँ रख के ऐश कर रहे हैं। ये तो राजा महाराजा है, ये महाराजा महाराजाओं की तरह ये रह रहे थे, देख लिया वही अफगानिस्तान की तरह। घर का साइज देखना चाहिए कितना ह्यूज था, कमाल है। हमने पिछले वीडियो देखा तो था, वो देखिए उसका जो पीछे लॉन था वो कितना ह्यूज लॉन था, बहुत बड़ा महल। वो तो कहे तो लोग भी हैरान थे देख के कि भैया स्विमिंग पूल है बंदे के पास, एयर कंडीशन स्विमिंग पूल है, ये सब है, इसने तो मुगलों की जैसे वो अयाशियां करते थे, इसने तो मुगलों को भी इन लोगों ने हरा पीछे छोड़ दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब इस यही जो जिन्ना हाउस है, पब्लिक ने इसकी हालत क्या की है, तो ये देखो, ये जिन्ना हाउस की हालत हुई है जब इन्होंने आके उसमें तोड़ फोड़ करके आग लगाई है। कितना कितना जो देख रहे हो, मलबा मलबा मलबा, जलकर राख, ये पूरी उसकी बिल्डिंग का ये हाल हुआ है। ओहो, इसको देखो, काफ़ी पार्ट जला दी है, पूरा पीछे से देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ जलाया है, किस पार्ट को जलाना था, जहाँ जहाँ मेरे ख्याल से वुड नज़र आ रही है वो तो गई पूरी, सारा जला दिया, पूरा तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ये तो पूरा लग रहा है कि पता नहीं खंडर है किस जमाने का, ये तो इसको देख के लगता ही नहीं कि ये इनका कोर कमांडर जो है उसका ये कुछ घर खंडर रखते हैं। ये तो अब इसको ऐसे देखो फोटो को तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई खंडर पुराने जमाने का, जहाँ पे कभी सदियों सदियों तक कोई नहीं रहता था, वो हालत कर दिए इन्होंने। देखो तो सही कितना जला, सारी राख दिख रही है नीचे। ओ, ये देखो, ये है किचन,
मैं तो पहले किचन की हालत तो नहीं देखूंगी, पहले मैं ये देखूंगी किचन कितना स्टाइलिश था। स्टाइलिश किचन तो देखो, माइक्रोवेव, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज, माइक्रोवेव है, ओवन है, पूरे उस टाइप के कैबिनेट्स और वो बने हुए हैं जैसे यहाँ यूएसए में होते हैं। बिल्कुल अंग्रेज ही स्टाइल में पूरा इन्होंने किचन बनाया हुआ है। और जब ये आवाम आई है, पब्लिक आई है, तो इन्होंने सारा तोड़ फोड़ करके देखो कैसे कर दिया है। माइक्रोवेव का तो आगे का दरवाजा शीशा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंदर का ही दिख रहा है, सारा तोड़ दिया। और वो जो ओवन है, ओवन देखो, ओवन भी पूरा टूटा पड़ा है, उसके आगे का कुछ नहीं है। और ये तो कुछ बड़ा ही मॉडर्नाइज लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई टेबल सिस्टम था इनका, कि अलमारी खोलो उसके बाद बाहर क्या शायद टेबल आता है कि ट्रे निकल के आती है। ये तो सिस्टम अपने समझ नहीं आ रहा, पर सब कुछ तोड़ फोड़ के इतना बढ़िया किचन का क्या बना दिया है देख लो भाई, चूरमा बना दिया। ओए होए, शैंडेलियर का भुर्ता। ओए होए, पहले तो ये सोच लो इसको देखकर कि ये शैंडेलियर पहले कितना सुंदर और कितना महंगा शैंडेलियर होगा, जिसको उन्होंने ऊपर, मतलब ऊपर तक ये चढ़ के उन्होंने तोड़ी है चीजें, उन्होंने ऊपर भी चीजों को नहीं छोड़ा, चीजें फेंकी भी हैं जो अटक गई हैं शैंडेलियर में। क्योंकि ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे, तो नीचे से जो भी चीजें हाथ लगी हैं उन्हीं के सामान की जो पड़ा होगा या इसमें यहीं पे इसी घर में जिन्ना हाउस में, वही उठा उठा के शैंडेलियर को भी तोड़ दिया है। और देखो पूरा ये भी जला हुआ लग रहा है, सब कालक 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 दिख रही है। दीवारों में भी देखो, दीवारें भी टूटी हुई हैं, तो दीवारों को भी पकड़ के मारा है, दिख रहा है दीवारें भी तोड़ी हुई हैं। मिट्टी मतलब जो भी थोड़ा लग रहा है कि पूरा खत्म कर दिया है जलने के बाद, जो राख टाइप की, मतलब पूरा तहस नहस कर दिया, सब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया ये। ओए होए, ये तो कमाल की, वाह, ये सेल्फी ले रहा है, फोटो ले रहा है बड़े शान से कि भाई हम लोग जिन्ना के साथ, और वो भी जिन्ना हाउस को ये करके, कि जिन्ना हाउस को पूरा पीछे आग लगी हुई है। ओए होए, और पीछे से ऐसा लग रहा है आदमी और भी बहुत सारे हैं जो इधर उधर से निकल नुकल के और जो कर रहे हैं तोड़ फोड़। और ये क्या शान ठाट बाट से बैठा है, टांगे देखिए, टांग कैसे चढ़ा के इस जैसे कहीं का। मतलब यही है जो, मतलब अगर अब उनको मगर प्रूफ मिल गया इनका, मगर उन्हें मास्क, ये हो सकता है मास्क इसलिए नहीं पहना हो कि भैया मेरी शक्ल, क्योंकि यहाँ पे आग उग लगानी थी उस वजह से इन्होंने मास्क पहने होंगे, पर उससे बचने की अब कुछ उम्मीद है। पर देखो भाई ये है कि इन्हीं का जिन्ना, जिन्होंने इनको पाकिस्तान दिलवाया, हमारे भारत के दो टुकड़े करा दिए, उसका ये एंड है जिन्ना हाउस लग रहा है। और भी जगह जगह आगे आग लगी हुई है, पूरी बिल्डिंग, पूरा जिन्ना हाउस को जला दिया है, पूरा जिन्ना हाउस जला के खत्म कर दिया है। लोगों में एंगर था, देख वही नजर आ रहा है, वही कमाल है। ये हुआ है, ये पाकिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान जैसे के हालात जो थे वो पाकिस्तान में हुए हैं। अब इमरान खान छूटा है, देखते हैं अब उससे हालात इनके बेटर होते हैं, ये क्या तो खुश हो जाएंगे, इमरान खान छूट गया तो बहुत खुश होंगे। देख लो कर दिया इन्होंने, जैसे भी है छुड़वा तो लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से कुछ बोला इसलिए, हाँ वही तो, पर सुप्रीम कोर्ट ने डर के ही बोला होगा, जो बोला वो डर के ही बोला है, नहीं तो पहले तो बोल रहे थे कि नहीं भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल लीगल है। सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये सब इमरान खान जो पकड़ा था वो इलीगल है, तो मुझे पता नहीं पहले लीगल से इलीगल कैसे हो गया, कैसे इन्फ्लुएंस किया सुप्रीम कोर्ट को, या उनको लगा कि बहुत ज्यादा तहस नहस हो रही, हमें तो लगा था कि आर्मी आ जाएगी, मगर लग रहा है कि आर्मी नहीं आई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, इमरान खान को छोड़ दिया। पर देख लो क्या भैया, लास्ट फोटो जो देखी है वो तो भाई क्या कमाल की है, कि पूरा तहस नहस करके वो ठाट बाट से जली हुई चेयर के ऊपर टांग ऊपर करके, ये कई सारी फोटो जो आइकॉनिक बन जाएंगी, दे विल बी आइकॉनिक, कमाल है। इस टाइम के जो भी इन्होंने अपना रिवोल्ट किया है उसमें ये कई पिक्चर जो है आइकॉनिक हो जाएंगी मेरे ख्याल से। तो भाई लिखना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये सब देख कर, ये है पाकिस्तान की हालात, ये है हमारा फर्स्ट विजिट, हम सब इंडियंस का, हमारा आपका जैसे पाकिस्तानी करते थे ना आर फर्स्ट विजिट, ये है हमारा फर्स्ट विजिट टू जिन्ना हाउस। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।